पीरजादा मोहम्मद शफी उस बबर शेर जो है वतन के साथ मोहब्बत दिखाने इस वक्त घंटाघर आए हैं, और मेरे पीछे ऐतिहासिक जगह है घंटाघर, जहां पर कहीं ना कहीं इतिहास रचे जाते हैं और बड़े बड़े फैसले माजी में लिए गए हैं। पीरजादा मोहम्मद शफी साहब, मुबारकबाद हो आपको, आज 15 अगस्त है और पूरे हिंदुस्तान में जो है 78वां यौम आज़ादी का साल जो है वो मनाया जा रहा है, तो क्या कहेंगे अपने वतन के बारे में, दो अल्फाज क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, याका नाबुदु याका नस्ताईन, मैं तमाम देशवासियों को आज दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबाद दे रहा हूँ। आज 15 अगस्त है, 1947 से आज तक, 1947 में हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हो चुका है। उस टाइम तमामों ने कुर्बानी दिया है, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सबों ने मिलकर उसके मुल्क के लिए कुर्बानी दिया है। आज गिने चुने आदमी बोल रहे हैं कि मुसलमान देशद्रोही है, मुसलमान कभी देशद्रोही नहीं है, मुसलमान देश भगत है, मुसलमान हर कोई हिंदुस्तान का मुसलमान देश भगत है, देशद्रोही कोई नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ उन देशद्रोहियों से, देशद्रोही वही है कि जो आज बोल रहे हैं कि मुसलमानों ये देशद्रोही है। 1947 से पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान इस तिरंगे को सलूट करते हैं, इस तिरंगे के साथ मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। जो आज कल 10 साल से तिरंगे चलाने वाले, मैं उनसे नफरत करता हूं, मैं मुल्क से प्यार करता हूं, मगर जो 10 साल से तिरंगे चलाने वाले, मैं उनसे नफरत करता हूं, क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं देश को बांटने का, मगर बबर शेर का काम है देश को जोड़ने का काम करेंगे। और इस मुल्क के लिए अगर मेरा जान भी चलेंगे, जान देने के लिए तैयार हूँ, मैं मुल्क के साथ प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, मगर जो बड़े बड़े आजकल कुर्सियों पर बैठे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं बांटने का, मगर बबर शेर का मिशन है, बबर शेर का मिशन है जोड़ने का मिशन है, बबर शेर का मिशन वो तोड़ने का मिशन नहीं है। बबर शेर देश ही नहीं है, बबर शेर देश भगत है, देश के साथ प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। ये लाल चौक से मैं आज घंटा करके सामने बताना चाहता हूँ, जो बोल रहे हैं कि बबर शेर को ये देश रूही है, मैं देश रूही नहीं हूँ, मैं देश भगत हूँ, देश के साथ प्यार करता हूँ, आखिरी सांसे तक इस देश के साथ मैं मोहब्बत करता हूँ और प्यार करता हूँ। बबर शेर, अच्छा दो अल्फाज हो जाए अपने वतन के बारे में। हमारा वतन, हमारा मुल्क, दो लाइनें हो जाएं। हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, मैं इसके साथ मोहब्बत करता हूँ। ये मुल्क जी। मुल्क कोई गलत नहीं होता है, मगर जो गिने चुने मुल्क चलाने वाले, ये तो गलत होते हैं। मैं इतना प्यार करता हूँ, मुझे लग रहा है इतना प्यार कोई हिंदुस्तान के साथ नहीं करता है। 1947 से आज तक जम्मू कश्मीर के मुसलमान इस तिरंगे के साथ मोहब्बत करता हूँ। लाइनें हो जाएं जिस तरीके से आप शेर व शायरी करते हैं या फिर कुछ भी कहते हैं, तो वतन के बारे में दो लाइनें। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं जम्मू कश्मीर के, ये गुलिस्तान हमारा। कश्मीर क्यों, हिंदुस्तान के बोलिए तो। जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ मैं, जम्मू कश्मीर के बुलबुले हैं हम, जम्मू कश्मीर के बुलबुले हैं, इसलिए मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ, खासकर मैं हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर के साथ मोहब्बत करता हूँ। खैर, आपको बता दूं कि पीरजादा मोहम्मद शफी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। एक बार झंडा आप लहराइए ताकि तमाम जितने भी आपके चाहने वाले हैं वो भी आपको देख सकें। ये पीरजादा मोहम्मद शफी साहब इस वक्त ऐतिहासिक जगह घंटाघर के पास झंडा लहरा रहे हैं, 15 अगस्त को यौम आज़ादी का 78वां साल जो है वो मनाने आए हैं। फिलहाल के तौर पर ये तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा कि क्या कुछ माहौल इस वक्त श्रीनगर ऐतिहासिक जगह घंटाघर के पास बना हुआ है।